हेलो फ्रेंड्स एफ डब्ल्यू एस आई से जुड़ी हुई जानकारी आज आपके लिए लेके आया हूं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप अच्छे से जानते हैं 20 जनवरी 2022 को एक एग्ज़ाम होना था जो कि पोस्टपोन हो गया है इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज थी उसमें से एक वैकेंसी असिस्टेंट जिसमें दो या पैंतीस के करीब इसमें वैकेंसीज थी ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसको फिल कर सकते थे आई होप आपने भरा होगा शायद अप्रैल में ये आपका एग्ज़ाम हो और इसमें एक ही एग्जाम है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी सैलरी पचास से साठ हज़ार के बीस आपको इसमें सैलरी मिलती है तो चलिए जानते हैं एफ डब्ल्यू एस आई है क्या चीज़ इसमें से एफ डब्ल्यू एस आई से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे पांच से सात क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे तो बेटा एफ डब्ल्यू एस आई जो है स्टेट्यूटरी बॉडी है इसका मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है स्टेचुचरी बॉडी का मतलब है जैसे एस एस सी आपका इंडिपेंडेंट है अपने फैसले खुद लेता है उसी तरीके से इसमें सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होता है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट टू थाउजेंड सिक्स के अकॉर्डिंग ये आपका बना है और एफ डब्ल सी आई जैसे नाम फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स तो इस संस्था का बच्चों मेन काम क्या है जो पैकेज फूड होता है या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जो फूड आपको सर्व किया जाता है उसकी क्वालिटी को रेगुलेट करना सुपरवाइज करना ये इसका काम है और जो भी इंस्टीट्यूट जो भी आपके प्रोसेसिंग यूनिट है रेस्टोरेंट है होटल्स हैं उनके टर्नओवर के हिसाब से ये संस्था जो है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग भी होती है कहीं वो खाने पीने की चीज़ों में गड़बड़ तो नहीं कर रहे ठीक है इसका हेडक्वाटर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वाटर बच्चों न्यू दिल्ली के अंतर्गत आता है जो भारत की राजधानी है और हेडक्वाटर के अलावा इसके छः रीजनल सेंटर हैं जो भारत के चार महानगरों में दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में स्थित है इसके अलावा दो शहर और हैं कोचिन जो केरल में है और गुवाहाटी जो असम में है इन छह शहरों में इसके रीजनल सेंटर हैं अलग अलग जगह पर इन्होंने अपनी लैब्स भी लगाई हैं ताकि वो अलग अलग जगहों पर फूड्स को सर्टिफाई कर सकें सुपरवाइज़ कर सकें चौदह रेफरल लैब्स हैं बहत्तर स्टेट यूटीज़ में लैबोरेटरीज हैं थ्रू आउट द इंडिया और एक इनकी ऐसी लैब्स है हैं जो एन ने सर्टिफाई कर रखी हैं जो एफ के अंतर्गत आती हैं ठीक है तो ये पेपर आपका अप्रैल में होगा इसके लिए आप जुड़े रहिएगा स्टडी हाईवे चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 2019 में जो पेपर हुआ था असिस्टेंट का वो पेपर मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ आपके लिए डिस्कस करूंगा ये जो संस्था है माय डियर इस संस्था को आपका आमतौर पर आई रैंक का अधिकारी है वो इसको हेड करता है और ये जो अधिकारी होता है सेक्रेटरी रैंक से नीचे का नहीं होता तो एफडब्ल एस एज हेडेड बाई अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पेपर में आ सकता है

किसी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अगर रेवेन्यू 12 लाख से कम है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है डब्ल में 12 लाख से कम यानी कि कोई भी ऐसी शॉप है कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट है जो फूड सर्व करता है तो 12 लाख से कम का जिसका भी रेवेन्यू जनरेट होता है टर्न होता है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है अगर उसका टर्न ओवर लाख और बीस करोड़ के बीच में है बारह लाख से ज्यादा और बीस करोड़ से कम तो उसे स्टेट गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है जैसे कि अगर हरियाणा में कोई रेस्टोरेंट है उसका टर्नओवर इन दो फिगर्स के बीच में लाई करता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा और अगर किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट का आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा जाता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन लेना होता है तो एक बेसिक जानकारी है अबाउट एफ डब्लू एस ए आई इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इनको ध्यान से आप लोग देखिए नोट करिए नोट्स बनाइए और रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर मैं डिस्कस करूंगा तो बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए साथ में मैंने इंडियन ज्योग्राफी की वीडियोस भी इसमें डाली हैं इस चैनल के ऊपर आप जाके देखिए और मुझे बताइए वो आपको कैसे लगी ओके टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे थैंक यू